दूती चंद ने राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी का खिताब जीत रचा इतिहास। दूती चंद विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 11.32 सेकंड के समय में रेस जीती और 8 खिलाड़ियों की रेस में उन्होंने पहला नंबर प्राप्त किया। वह अब वैश्विक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमा दास के बाद दूसरी भारतीय एथलीट बन गई हैं। इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति कोविंद ने बधाई देते हुए ट्वीट किया कि नेपल्स में आयोजित यूनिवर्सिटी में 100 मीटर की दौड़ की स्पर्धा में जीतने पर उन्हें बधाई। इस प्रकार की स्पर्धा में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है और देश के लिए यह एक अपार गौरव की बात है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया कि विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रचा है। दूती ने अपने खेल करियर में आए संघर्ष के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 6 बहनों को मिलाकर 9 सदस्य हैं। पिता कपड़े बेचने का काम करते थे और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उन्होंने अपने साथ हुए लिंग विवाद को लेकर भी आई मुश्किलों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट के 3 दिन पहले ही उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। इसका कारण बताया गया था कि वह लड़की नहीं है। इस बारे में उन्होंने लंबी लड़ाई की और जीत हासिल की, लेकिन इस संघर्ष से उनके इरादे और भी मजबूत हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वे देश को गौरव दिलाकर ही रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।